लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दस नौकर हैं घर में, लेकिन एक को भी पता नहीं कि मेरी बेटी कहाँ है। आखिर तनख्वाह किस बात की लेते हो तुम लोग? भैया बात ये है कि... शट अप। पिंकी की माँ की मौत के वक्त तो तुम कह रही थी कि बिना माँ की बच्ची को नौकरों के सुपुर्द नहीं करना चाहिए, मैं उसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। और अब आलम यह है कि दिन भर आईने के सामने बैठकर मेकअप करती रहती हो, और ये लंगूर 24 घंटे तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाता रहता है। देखिए साले साहब, आप मेरा हरिया जीप निकालो, हम खुद जाएंगे पिंकी को ढूंढने। जी मालिक। सरिता, हमारा इतना घोर अपमान हुआ और तुम चुपचाप सुनती रही प्योर स्टील की तरह। मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम कर भी क्या सकती हो, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें कहीं जाना चाहिए। कहाँ ले जाओगे मुझे? अगर तुम किसी काबिल होते तो क्या आज हम यहाँ पड़े रहते? अरे सरिता, मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। सच? तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं, तुम जिस हाल में भी रखोगे मैं खुश रहूंगी। हाय हाय मेरी सरिता, तो फिर चलो सामने अपने कमरे में। बहुत खूबसूरत लड़की है। इसके बाप को जानते हो सरदार? हाँ, ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी है और उसके पास हरे हरे नोट है। भाग ले चलते हैं। ठाकुर नोट लेके भागा भागा आएगा। हरी हरी नोट। अरे जादू की तरह
पिंकी। बाबू पिंकी को बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चल घोड़े पर बैठ, घर चले। तो बन जाओ घोड़ा। क्या? तो बन जाओ घोड़ा। अच्छा चल आ जा। चल बाबू, अगर हम वक्त पे ना आते तो अलग पिंकी को। हम वक्त? पिंकी को लेकर तू यहाँ आया था? कितनी बार तेरे को कहा है कि इसको अकेले जंगल में लेकर मत आया कर, मगर तू है कि सुनता ही नहीं। लेकिन काका, ये तो मेरे कहने से यहाँ आया था। बिटिया, किसी के कहने पर भी आया हो, है तो नौकर का बेटा, बड़े मालिक को पता लग गया तो खाल खिंचवा देंगे। चलो। पापा। आजा। पिंकी, जा, जा। कहाँ चले गए थे बेटे? जानते हो हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए? हमने आज तुम्हारे लिए सारे नौकरों को डांट दिया। अच्छा किया पापा, सबके सब काम चोर है। लेकिन धर्माकाका को मत डांटिएगा, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मालूम है आज उन्होंने 4 गुंडों की पिटाई की। भिशम भिशम भिशम, वो लोग मुझे उठा के ले जा रहे थे। कौन थे वो लोग? मालिक अपने इलाके के तो नहीं थे, लेकिन अब उनके चेहरे पहचानने के लायक नहीं रहे। और अपने भी बहुत दिनों के बाद कसरत होगी। वादा करो बेटे, आज से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। जी धर्मा, तुम भी इस बात का ख्याल रखना। जी मालिक। अच्छा तो बताइए, कल कौन सा दिन है? हमारा जन्मदिन है। अरे आपको याद है हाँ? मालूम है आपका जन्मदिन हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बहुत बड़ी पार्टी रखी हमने, अपने सारे दोस्तों को बुलाया। हम आपको अपने सारे दोस्तों से मिलवाएंगे। और हम भी आपको हमारे दोस्त श्यामू से मिलवाएंगे। ये श्यामू कौन है भाई? हमारा दोस्त है। अच्छा आपका दोस्त है हाँ? भाई वाह ठाकुर साहब, आपका जवाब है। साल में एक बार पार्टी देते हैं लेकिन सबको दीवाना कर देते हैं, और शायद इसीलिए पूरे साल भर आपकी पार्टी का इंतजार रहता है। क्यों मजाक कर रहे हैं? ये तो एक बहाना है दोस्तों से मिलने मिलाने का, पीने पिलाने का। हाँ भाई, खुदा करे तुम ये बहाने रोजूना करो। बाय द वे ठाकुर, तुमने इस बार राकेश को कहाँ भेज दिया? राकेश हमारा इकलौता बेटा, उसके बगैर ये महफिल कुछ सूनी सूनी सी लग रही है। नहीं, ये सूनापन हमें अभी और 12 साल तक सहना पड़ेगा। हमने उसे लंदन भेज दिया है, वहीं पढ़ लिख कर जवान होगा। अच्छा अच्छा, लीजिए। कैसे हो धर्मा? बस कृपा है राम जी की। लीजिए लीजिए। भैया। भैया केक काटने का वक्त हो गया है, सारे मेहमान आ गए हैं और पिंकी का कहीं पता नहीं। इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है, अब क्या करें, कहाँ ढूंढे उसे? मैं तुमको अपने पापा से मिलवाती हूँ, आओ ना। आओ पापा।
आपसे कहा था ना, हम आपको हमारे दोस्त श्यामू से मिलवाएंगे। ये है हमारा दोस्त श्यामू। नमस्ते। अरे वाह, क्या शानदार दोस्त ढूंढा है। इसकी पोशाक तो देखो, लगता है किसी रियासत का राजकुमार है। इसके सामने तो हमारे बच्चों की कोई कीमत ही नहीं है। मेरे ही घर में रहके मेरे ही दोस्त का इंसल्ट करने का क्या हक है? पिंकी, भीख मंगो की सोबत में रहकर ये भी भूल गई हो कि बड़ों से आदर से बात करते हैं। अरे वाह ठाकुर साहब, क्या इसी बेइज्जती के लिए बुलाया था हमें? अपनी पार्टी में ऐसे भीख मंगो को बुलाना था तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या यही सिखाया है अपने बच्चों को कि घर आए मेहमानों को जलील करे? चलो जी। हाँ चलो। इतनी बदतमीज लड़की है, घर बुलाकर बेइज्जत कर दिया हमें। इससे अच्छा तो ये था कि हम आए ही ना होते। क्या बात है ठाकुर साहब, को उसे कुछ तो तहजीब सिखलानी चाहिए। ठाकुर मेहमान दोस्ती क्या हुआ? सरिता संभालो इसे, मैं इस कंबख्त को ठीक करता हूँ। श्याम तू यहाँ क्या करता? चल घर जा। चल धर्मा, ये तुम्हारा बेटा है? ये सरकार, इसने आसमान को छूने की कोशिश की है, इसे उसकी सजा मिलेगी। मत रो मेरे बच्चे, मत रो। सारा शरीर चलने कर दिया है जालिमों ने। माँ सब बच्चे पर घोड़े बरसाते हुए उनके हाथ भी नहीं कांपे। नौकरी छूट गई इसलिए परेशान है? अरे पगले, मर्द अपनी रोजी रोटी इन बाजुओं की ताकत से कमाता है, किसी ठाकुर के रहमो करम से नहीं। और फिर मेरी जितनी जमीन है वो सब तेरी ही तो है धर्मा। आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। कृष्णा, लोग कहते हैं कि भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। कम अज कम इसी बहाने पुरखों से चली आई गुलामी से तो मुक्ति मिल गई। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी जिसमें हमें जो कुछ करना है अपने लिए करना है, अपने बीवी बच्चों के लिए करना है। ये हुई ना मर्दों वाली बात। बेबी खाना खा लो। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, बड़े ठाकुर गुस्सा करेंगे। अरे पिंकी क्यों? वापस जाओ अपने कमरे में। नहीं, मैं श्यामू के पास जाऊंगी। तुम मुझसे नहीं मिल सकती, समझी? क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि वो हमारी बराबरी का नहीं है। मेरी बराबरी का तो यहाँ सिर्फ श्यामू है। क्यों मारा आपने उसे? मैंने उससे दोस्ती की थी, आपने मुझे मारा होता, क्यों उस पे हंटर बरसा? मैं उसके पास जरूर जाऊंगी। आप पहलो तो मुझे रोकने वाले आप। तुम्हारा पाप होता हूँ। चलो अंदर। सरिता, इसका सामान बांधो, कल सुबह ये लंदन जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। आंटी मैं नहीं जाऊंगी। आंटी मैं नहीं जाऊंगी। Thank you.
चलो श्यामू घर चलो। बात कर रहा है, पता नहीं कल जब तेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा साहब बन जाएगा तब तुझे ये रिश्ता याद भी रहेगा या नहीं। अरे मेरा श्यामू किसान का बेटा है, सबसे पहले वो किसान बनेगा। हाँ तेरी रूपा के लिए अगर किसी लाड साहब के बेटे का रिश्ता आ जाए तो तू वैद्य से मत मुकर जाना। हाँ वो तो वक्त ही बताएगा। बापू चलो खाना खा लो। अरे श्यामू बेटे जी यहाँ आ। तो ये ले बैठ, यहाँ बैठ बैठ, देख देख ये धरती अपनी माँ है, इसका सीना चीर कर हम अनाज उगाते हैं जिससे लाखों करोड़ों इंसानों का पेट पलता है, इसीलिए किसान को जगत पिता कहते हैं। बेटा तू पढ़ लिख कर कुछ भी बन जाए लेकिन ये नहीं भूलना कि तू एक किसान का बेटा है। हाँ बाप का माल है क्या, रोक ट्रैक्टर उतर नीचे और खाना खा ले। देख नहीं रही है मैं काम कर रहा हूँ। बड़ा आया काम करने वाला, मैं क्या फुर्सत में यहाँ आई हूँ। घर में बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, ढेरों काम पड़ा है, चल जल्दी नीचे आ। ए, देख मुझे तंग मत कर, तुझे बहुत काम है तो जा यहाँ से, खाना वहाँ रख दे और भाग ले यहाँ से। ताकि खाना वहाँ पड़ा सड़ जाए और तू दिन भर ये फटफटी चलाता रहे। आज मैं तुझे खाना खिला कर ही जाऊंगी। चल तू नीचे आता है या मैं चढ़ जाऊँ तेरी फटफटी पर। तू चढ़ेगी मेरी फटफटी पर? आ चढ़ जा। अरे चढ़ती क्यों नहीं, अब भागती क्यों है? नहीं नहीं क्या, चढ़ जा ऊपर। अरे यही करूंगा। अरे ट्रैक्टर पे चढ़ेगी। हाँ श्यामू के बच्चे, आज तुझे मैं ये खाना खिला कर ही छोड़ूंगी। अबे जा, मेरे को खाना खिलाएगी, भाग यहाँ से। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे चल पहुँच। सर पे चढ़ गया है मेरे, ठहर तू जरा। खाना नहीं खाएगा। ए, ये ले मेथी की। अरे नहीं बोला ना। अरे पागल। और आलू की सब्जी। नहीं मना किया ना तुमको। देख देख रूपा, देख मैं तुमको बोल रहा हूँ, देख देख ट्रैक्टर टूट जाएगा। मैं बना बंद कर मेरे साथ, मना किया ना, ट्रैक्टर टूट जाएगा, बोला ना। ये ले रूपा। ए रूपा कहीं मर तो नहीं गई मेंड की? अरे ऊपर वाले बचा ले इसको वरना पुलिस चौकी पहुंच जाऊंगा। अरे उठ 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 रूपा। हाँ
अरे बाप रे, बहुत गंभीर समस्या है। लगता है सीधे शमशान घाट लेकर जाना पड़ेगा। मन की लाश को अकेले कैसे उठाऊं? अरे बहुत भारी है। शामू के बच्चे, शमशान घाट मैं पहुंचाती हूँ तुझे। अरे रूपा, तू तो जिंदा है। अरे भगवान तेरा लाख लाख पूरे। अरे गाँव वालों बचाओ मेरी इज्जत। अरे पहलवान ने मेरी टांग तोड़ दी, चढ़ूंगा नहीं इसको। शामू, ये क्या आदत बना रखी है? तू क्यों पागलों की तरह हंसे जा रही है? काकी, ये सब आपकी लाडली का किया कराया है। इसी की वजह से मेरी हालत हुई, और काकी इसी की वजह से मेरे ट्रैक्टर का बेड़ा गर्क हो गया। बापू तो चले गए शहर बीज लाने, कल पूरे खेत में बीज बोना है, और मेरी ट्रैक्टर की बेसी की तैसी हो गई काकी, सब इसी की वजह से। देखा देखा काकी, अभी भी हंस रही है। कितनी बेशरम है काकी, ये देखो, कोई शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है, हंसे जा रही है। मुझ पे हंसती है, शर्म नहीं आती है। बाकी बच्ची मैं तेरी टांग तोड़ूंगा। शमशान घाट पहुंचाने वाला बेचारा। बाकी मुझे चिढ़ाती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाकी देखो देखो, अरे कलमुई क्यों बेचारे को परेशान कर रही है? ये झूठ बोलता है, ये मुझे पानी में डुबाकर मेरी जान लेना चाहता है। मैं झूठ बोलता हूँ? झूठी कहेगी, झूठी मैं झूठ बोलता हूँ? क्या हंगामा हो रहा है? मुझे बचाओ काकी, मार रहा है मुझको। अरे पर हुआ क्या है बेटी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ माँ, होगा अब। मैं इस भूतनी की जान ले लूंगा। इसने जीना आराम कर रखा है माँ मेरा। क्यों सताती है इस बेचारे को? तेरे बापू के मरने के बाद धर्मा भैया और श्यामू ने ही तो हमें बेसारा होने से बचाया है। कितने उपकार है उनके हम पर, और एक तू है जो। अरे वाह काकी, तू भी बोली। ए काकी, तेरे को हजार बार मना किया है ना कि उपकार वाले भाषण देना बंद कर दे। हम लोग पराए हैं क्या? नहीं बेटे। तो फिर? फिर भी उपकार उपकार ही होता है बेटे। काकी तू नहीं माने। ए रूपा की बच्ची, तुझको मुझे सताने में बहुत मजा आता है ना? है। तो फिर सता मुझे। दिन में सता, रात में सता, सता मुझे। मेरी आज ये टांग तोड़ी ना, कल ये तोड़ देना। अच्छा, इससे भी दिल ना भरे तो मेरा सर तोड़ दे, मेरे दांत तोड़ दे। अच्छा, मगर अपनी माँ से कह दे कि ये उपकार वाले भाषण देना बंद कर दे। बोल दूंगी, वरना मैं अपने आप को फांसी पे चढ़ा दूंगा। माँ तू हमारे बीच में मत बोल। अभी और कोई कसर बाकी है क्या? अभी तो शुरू हुआ है। अरे माँ, माँ देख बापू आया है। माँ पाय लगो बापू। जीते रहो बेटा। अरे ये देख, अब की बार शहर से वो बीज लाया हूँ कि बस। आप भी देखना बापू, अब की बार ऐसी फसल बोऊंगा के बस। ये हुई ना मर्दों वाली बात। बस आते ही बापू के गले मिलने लगा, बहुत हो गया, अब खेत में जा, सूरज सर पे चढ़ गया। माँ तू तो मेरी फिक्र करी मत, तू बापू को अंदर ले जा, हाथ मुंह धुला, नाश्ता वास्ता करा, दूध लस्सी पिला। देखती नहीं बापू कितने दुबले हो गए? दुबला होगा तेरा बाप। सुना? हाँ सुन लिया, कल का छोकरा माँ को सिखा रहा है। अच्छी आप इसका क्या सुनते हैं, भीतर चलिए। चलो देख बीज रख लेना संभाल के, चल। जी बापू। अरे बंदरिया नीचे उतर, क्या कर रही है? ए, 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 उतार यहाँ से, बेवकूफ क्या कर रही है? चल अपना काम कर, भाग यहाँ से। मैं फटपटी चलाऊंगी। अरे भूतनी कई की, कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? भाग यहाँ से। बोल देता हूँ यहाँ से भाग, वरना तेरी चुटिया कट के कुएं में फेंक दूंगा, गंजी हो जाएगी, गंजी गांव में घूमेगी। क्या बात है बिटिया, क्या बात है? काकू मैं भी ये फटफटी चलाऊंगी। कौन है शामू के बच्चे से मुझे सिखाए, नहीं तो मैं इसको नोच लूंगी। गुंडा बदमाश। अबे चुप बापू, इस बंदरिया से कह दो वरना मैं इसका गला दबा दूंगा, गला। अरे शामू ले जाना बेचारी को, दो चक्कर लगवा दे, खुश हो जाएगी। ठीक है बापू, मेरे काकू है, तुम कहते हो तो घुमा देता हूँ। चल परे हट हट, बैठी तो ऐसे जैसे कि बैलगाड़ी हो और तू ड्राइवर। चलिए घूमने मारती। सुना है बड़ी हवेली में उत्सव मनाया जा रहा है? हाँ सुना है, वो बड़े ठाकुर के बच्चे बलायत से वापस आ रहे हैं। पिंकी बिटिया तो अब जवान हो गई होगी? सो तो है। कितना स्नेह था श्यामू और पिंकी का बचपन में। हाँ
लेकिन अब तो उसे श्यामू का नाम भी याद नहीं होगा। एक तो अमीर बाप की बेटी, ऊपर से वलायत की परवरिश, हम जैसे गरीबों से तो वो मीलों दूर रहेगी। वेलकम वेलकम भतीजा, आओ बेटा आओ। आओ बच्चों। पापा मुबारक हो ठाकुर, तुम्हें अपने बच्चों की वापसी मुबारक हो। शुक्रिया, चलो अंदर चले बेटा, सफर तो अच्छा रहा ना। आंटी, पिंकी, पिंकी, आंटी, पिंकू। देखा, ये तुम्हारा दीवाने खास है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रूम विथ बेड, प्योर स्टील की तरह। मजा आ गया। थैंक यू भगवान, इतना अमीर बाप देने के लिए। इस फूफा के बारे में क्या ख्याल है? फूफा, ये क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं, फूफा, फूफा, हाँ फूफा, फूफा, फूफा। मतलब के सरिता तुम्हारी फूफी और मैं तुम्हारा फूफा। फूफा, 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 तुम कुंफू के भाई हो? फूफा, फूफा, फूफा। क्या बात है पिंकी, अपने घर वापस आकर खुश नहीं हो क्या? बहुत खुश हूँ आंटी, ऐसा लग रहा है जैसे 15 साल की जेल के बाद आज मुझे आजादी मिली है। सच बेटी, तुझे तो जेल ही भेजा गया था, वरना 7 साल की मासूम बच्ची के साथ कोई ऐसी जबरदस्ती करता है क्या? आंटी, मैं भी कितने मूर्ख हूँ, तू इतने सालों बाद वापस आई है और मैं पुरानी कहानी सुनाने लगी, तू आराम कर, मैं फिर आऊंगी। ठहरी आंटी, धर्मा काका और श्यामू कहाँ है? क्या तुझे अब तक याद है वो लोग? सिर्फ यही यादें तो लेकर यहाँ से गई थी और आज इन्हीं के साथ वापस आई हूँ। बताओ ना, बताओ ना आंटी, कहाँ है वो लोग? धर्मा को तो तुम्हारे डैडी ने उसी दिन नौकरी से निकाल दिया था। आजकल वो लोग बेलापुर गांव में रहते हैं, वहीं खेती बाड़ी करते हैं। पता है, श्यामू ने भी मैट्रिक पास कर लिया है और वो भी खेती बाड़ी करता है। सच बेटी, गाँव में लोग बड़ी इज्जत करते हैं उनकी।
पिंकी? हाँ, मैं पिंकी हूँ श्याम। तुम्हें ये मेरा मतलब है, आपको ये गाना अब तक याद है? मैं तुम्हें भी कभी नहीं भूली श्याम। मैं जानती हूँ श्याम, तुम भी मेरी याद को कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाए। I love you। मैं तुमसे प्यार करती हूँ श्याम। प्यार? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? अच्छी तरह जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं तो ऐसा सोचने तक की भी जरूरत नहीं कर सकता। कहाँ और कहाँ मैं? अपनी आत्मा पर झूठ का नकाब चढ़ाने की कोशिश ना करो श्यामू। तुम्हारी साजी के पीछे छुपे हुए आंसू मुझे साफ नजर आ रहे हैं। वो सपने जिन्हें देखने से आंखों में आंसू आ जाए, उन्हें देखने का फायदा ही क्या? वो जिंदगी जिसे अपने मनचाहे जीवन साथी के बगैर जीना पड़े, उसे जी कर क्या फायदा? ऊंचे ऊंचे पर्वत गहरे गहरे सागर, ऊंचे ऊंचे पर्वत गहरे गहरे सागर, हमको रोक न पाएंगे। प्यार के रिश्ते क्या होते हैं, प्यार के रिश्ते क्या होते हैं, दुनिया को दिखलाएंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत गहरे गहरे सागर, ऊंचे ऊंचे पर्वत गहरे गहरे सागर, हमको रोक न पाएंगे। चम 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 चम
चौं, चौं। अरे मालिक क्या चाल है मस्तानी। हाय पतली कमरिया नागिन की तरफ बल खा रही है। आज ठीक करना ही पड़ेगा। चोरी चला रही है जानी। हाय मेरी जाने जाना एक बार पलट कर कातिल नजरे तो मिला। हाय मार डाला जालिम ने। अरे बैठ जा घोड़े पर ठाकुर साहब की मैनेजर ऐश करवाएंगे ऐश। आजा रानी आजा। हाय आ गई। ये ले बड़ा आया मैनेजर का बच्चा। वैसे तो तुम समझदार हो फिर भी कोई दिक्कत आन पड़े तो मुझे फोन कर लेना। जी रेडी। हाय पापा आप कहीं बाहर जा रहे हैं? भाई छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। छुट्टियां? छुट्टियां कैसे पापा? बेटे हम बूढ़ों को तब तक छुट्टियां नहीं मिलती जब तक बेटा जवान होकर सारा कारोबार ना संभाल ले। हमने अपने सारे कारोबार का बोझ राकेश के कंधों पर डाल दिया है और 10 साल के बाद छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। दैट्स वेरी गुड पापा। चलोगे बेटे? नो। अब पापा फ्लाइट का टाइम हो गया चलें। टेक केयर। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके बाय सिस्टर सी यू लेटर। वाह चंदा भाई वाह। जवाब नहीं तुम्हारे फूलवती का। हमारे छोटे ठाकुर को ले लिया लपेटे में। आपका हुक्म हो तो काम क्यों न होगा सरकार। चाचा जी चाचा जी ये बहुत स्ट्रांग है। अरे अगर ये स्ट्रांग है तो चाचा सवा स्ट्रांग है। अरे भर के दे। ले अजी क्या कर रहे हैं आप? अरे भंग पी रहे हैं। ए दो गिलास दे काकी के लिए भी एक। अरे कुछ तो शर्म करो। इसमें शर्म की क्या बात है? अरे शिव जी का त्योहार है भंग नहीं पियोगी तो तांडव डांस कैसे करोगी? कुछ तो समझा करो। अगर पीना ही है तो अपने बराबरी के लोगों के साथ बैठकर पिया करो। इन जवानों के साथ क्यों बेइज्जती करवाते हो? अरे तू क्या मुझे बूढ़ा समझती है? अरे तू आ जाती है तो मैं जवानों का जवान बन जाता हूँ। क्या लड़को हरिया काका एक गिलास मुझे दो। ये रूपा तू क्या कर रही है? लड़कियों के दूध पियेगी? मेरा मतलब है कि भांग पियेगी? जरूर पियूंगी काका। मुझे अपनी जिंदगी और मौत का नहीं नहीं मेरी जिंदगी और उसकी जिंदगी का फैसला करना है। अरे किसकी जिंदगी का फैसला करना है? क्या हो रहा है क्या बक रही है? भांग हमने पिए।
चली तुमको, और उस फैसले के लिए मुझे हिम्मत इकट्ठा करनी है। सुना है भांग पीने से हिम्मत बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं? हाँ, बढ़ती है, बढ़ती है, बहुत बढ़ती है, बहुत बढ़ती है भाई। देखो ये शिवजी का प्रसाद है, इसे पीने से शेर बब्बर शेर बन जाता है, तू पता नहीं क्या से क्या बन जाएगी। हाँ इससे तेरा काम नहीं चलेगा, तू ये ले ले, पीले 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 पीले। बबला बबला बबले बोले लड़कियों, शामू किसका? रूपा का। रूपा किसकी? शामू की। शामू किसका? रूपा का। रूपा किसकी? शामू की। Thank you.
अरे तुझे छेड़ रहा था वो। नहीं नहीं नहीं। अरे वो तो मजाक कर रहा था। नहीं नहीं अब मेरा क्या होगा? तुझे छेड़ रहा था। क्या खूबसूरत जवानी है। ठाकुर राकेश प्रताप सिंह के होते हुए इतनी खूबसूरत लड़की रास्ते में बैठ के रो रही है। बैड, वेरी बैड। लेकिन छोटे ठाकुर ये वो इसको शमशेर, इतने खूबसूरत ताजा फूलों के होते हुए तू हमें कहां-कहां घुमाता रहता है? ताजा फूल। छोटे ठाकुर मेरी बात तो सुनो। हमारे साथ चलो जाने मन, हम तुम्हें दिल की रानी बनाएंगे। इतना खुश कर देंगे कि रोने की बजाय जिंदगी भर कहके लगाती रहोगी। चलो अब। रूपा, रूपा, ये छोटे ठाकुर है, अभी अभी विलाय से आए हैं, ये तुझे जानते नहीं है? नहीं रूपा, नहीं नहीं रूपा। तो तुम हो ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे? गांव की किसी भी लड़की को छेड़ने का अंजाम क्या होता है यह तुमने अच्छी तरह देख लिया होगा। रूपा हमारी बेटी है, बल्कि गांव की हर लड़की हमारी बेटी है, फिर भी हम तुम्हें माफ करते हैं क्योंकि कभी हमने तुम्हारे बाप का नमक खाया था। तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ याद रखना, आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो हम भूल जाएंगे कि तुम किसके पिल्ले हो। अरे रूपा आप क्या किया जाए, काका ने कहा है तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन ये महाशिवरात्रि के दिन हमारे गांव आए हैं, शिवजी का प्रसाद लिए बगैर कैसे जा सकते हैं? हाँ मारो, भाग गया उस दिल कहीं का। अब बस करो छोटे ठाकुर, जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? उस दो टके की छोकरी ने इतने लोगों के सामने मुझे चाटा मारा, जलील किया, और तुम चाहते हो ठाकुर राकेश प्रताप सिंह इतनी बड़ी जिल्लत बर्दाश्त करके खामोश बैठा रहे? नहीं! लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, वो बड़ी सर फेरी लड़की है,
और फिर उसके एक इशारे पर सारे के सारे गांव वाले अपनी जान भी दे देते हैं। गांव वाले, ये गांव वाले उसकी ताकत है शमशेर। एक काम करो, उसे उठाकर किसी ऐसी सुनसान जगह ले आओ जहां कोई गांव वाला नहीं हो। इसमें खतरा है छोटे ठाकुर, अगर उसने जाकर बड़े मालिक से शिकायत कर दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बेवकूफ हो तुम, कोई भी शरीफ लड़की अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाती। इसके बाद या तो आत्महत्या कर लेगी या हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। क्यों, अभी भी डरते हो? सोच रहा हूं कि इतनी सीधी सी बात मेरी उल्टी खोपड़ी में पहले क्यों नहीं आई, वरना मेरी तो वो दुर्गत बनाई थी उस साली ने कि जी चाहता है कि चीर कर रख दो। बस अब सोचना बंद करो और उठा के ले आओ उस हरामजादी को। कल धर्मपुर वाले खंडर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कर लाए हो, मैं खुद यहाँ आई हूँ ये देखने की किस चूहे में इतनी हिम्मत आ गई है जो जंगली बिल्ली से टकराना चाहता है। हाँ? बहुत खूब, शेर को जंगली बिल्ली की बात पसंद आई। क्या जमाना आ गया है, चूहों को गलत फहमी हो गई है कि वो शेर है। चलो आज ये गलत फहमी भी दूर कर देते हैं। देखते हैं आज कौन किसकी गलत फहमी दूर करता है। भाग नहीं सकती आप। मचुआओ, अब तुम मेरे सामने रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे भीख मांगोगी। चलो शुरू हो जाओ। नहीं छोड़ूंगा।
मारने से। करना बहन, उन दो दरिंदों में से एक मेरा भाई था। तुम? ये पिंकी है रूपा, बड़े ठाकुर की बेटी। तुम्हें याद होगा रूपा, हम दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे, इसीलिए बड़े ठाकुर ने पिंकी को 10 साल के लिए विदेश भेज दिया था। हम 10 साल तक एक दूसरे से अलग रहे, मगर सच तो यह है रूपा कि आज भी हमारे दिल में वही प्यार है जो 10 साल पहले था। रूपा जानती हो, पिंकी हर हाल में मेरे साथ रहने के लिए तैयार है, पर ना जाने क्यों पापू से इस रिश्ते के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं होती। रूपा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, अगर पिंकी के बाद मुझे किसी लड़की से सच्चा स्नेह मिला है तो वो तुमसे। मुझे मालूम है रूपा, बापू तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। ये क्या कर रहा है? गर्म पानी का सेक कर रहे थे छोटे ठाकुर, आपका चोट लगी है, आराम पहुंचेगा। अबे आराम तो बाद में पहुंचेगा गधे, पहले मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। अबे ओ जोकर, अब मेरा मतलब है फूफा, समझा इसे, इसने जलता हुआ कांगारा मेरी पीठ पर रख दिया। पहले तू मेरी बात का जवाब दे,
कौन सी बात? अरे वही जो अब तक 25 बार पूछ चुका हूँ कि तुझे किसने मारा प्योर स्टील की तरह। बूटनी के मैं 25 बार बता चुका हूँ कि मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं पहाड़ी पर से फिसल गया था इसलिए मुझे चोट लग गई। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, तू झूठ बोल रहा है प्योर स्टील की तरह। मैं सच बोल रहा हूँ। बचवा, एक बार मुझे उसका नाम बता दे। तेरी फूफी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं उसकी ऐसी धुलाई करूंगा जैसे उसने तेरी की है प्योर स्टील की तरह। मेरी धुलाई की है? मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। चला जा वरना आज मैं अपनी फूफी को भी धुआं बना दूंगा। चला जा जोकर, दबाओ जा। टेक दिस बास्टर्ड अवे। मेरी नर्वस से दूर कर दो इसको। चला जा, ले जा इसको, ले जा। ये बिल्कुल अपने डैडी पर गया है। बेटी, तुम्हारे डैडी भी सारी उम्र मुझे फूल इडियट न जाने क्या क्या कहते रहे। आज तुम्हारे डैडी घर पर नहीं है ने, तो उनकी जगह पर मैं एक बुजुर्ग की हैसियत से इसकी सेवा में खड़ा हूँ। लाख पूछने पर भी ये नहीं बताता है कि इसकी धुलाई किसने की स्टील की तरह। ए यू बास्टर्ड, जाता क्या नहीं? जाता हूँ शेर के साथ जंगल में। हाय ब्रदर, मैं जानती हूँ तुम्हें क्या हुआ है, बट डोंट वरी, मैं किसी से नहीं कहूंगी। तुम क्या कहोगी? तुम तो खुद ही चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। मैं वहां क्या कर रही थी ये तुम्हारे समझ के बाहर की बात है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी। लेकिन तुम्हारी बहन होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि डैडी की दी हुई आजादी का नाजायज फायदा मत उठाओ। जो भरोसा उन्होंने तुम पर किया है उसे बनाए रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और हाँ, ये हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं। यहाँ के लोग किसी शरीफ लड़की की इज्जत लूटने वाले को कुत्ते की मौत मारते हैं। Shut up! क्या बात है भाई, औरतों के होते हुए मर्दों जैसी खामोशी, वो भी रूपा की मौजूदगी में। क्यों गुड़िया रानी, माँ ने डांटा है या काकी ने? तुम लोग जरा जरा सी बात पर इस नन्ही सी जान के पीछे पड़ जाते हो। कितनी बार कहा है कि बच्ची है, इस उम्र में शरारत नहीं करेगी तो क्या तुम्हारी उम्र में जाकर करेगी? आई चल भैया, कर मर्दों वाली बात और गुस्सा थूक दे। देख मैंने दोनों को डांट दिया है। आपकी लाडली अब बच्ची नहीं रही, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। कहती है कि शामू से शादी नहीं करेगी। क्या शादी नहीं करेगी? अरे जरूर दोनों में झगड़ा हो गया होगा, वो शामू का बच्चा है ना, उसने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी होगी। तू घबरा मत बेटी, आने दे उस शैतान को, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अरे पगली, ऐसी शरारतें तुम दोनों रोज करते हो, फिर इसमें रोने की क्या बात है? ये शरारत नहीं है काका, मेरा यकीन करो। मैं शाम से शादी नहीं कर सकती। बेटी, कहीं तू किसी और से प्यार तो? नहीं काका, मैंने तो हमेशा शामू को ही अपना देवता माना है। तो फिर शादी से इनकार क्यों? ये शादी शादी नहीं, बर्बादी होगी। पहेलियां नहीं बुझाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती है। शामू किसी और से प्यार करता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की, जबकि वो जानता है कि मैंने कृष्णा को वचन दिया था। काका, आपने मेरी खुशी के लिए वचन दिया था ना, आज मैं खुद हंसी खुशी आपको उस वचन से मुक्त करती हूँ। लेकिन बेटी, तेरी खुशी भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है, और फिर अभी अभी तूने कहा कि तू शाम को अपना देवता मानती। मेरे मानने न मानने से क्या होता है काका, जबकि शामू के दिल में मेरे लिए वो जगह ही नहीं। सच मानो काका, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अगर हमने उनके प्यार में रुकावट डाली तो वो दोनों अपनी जान दे देंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ काका, अगर आप सचमुच मेरी खुशियां चाहते हैं तो शामू को उसकी खुशियां दे दीजिए, मैं समझूंगी मुझे सब कुछ मिल गया। बेटी, तेरा त्याग इन दोनों के प्यार से बहुत ऊंचा है, तू महान है। अगर आज किशन होता
तो उसका सर भी फख्र से ऊंचा हो जाता। पर आखिर वो लड़की है कौन जिसकी ये शामू के साथ शादी करवाना चाहती है? ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी पिंकी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे अफसोस है बेटी, तेरे त्याग के बावजूद इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती काका? क्योंकि पिंकी और हमारे बीच वो दीवार है जो एक अमीर और गरीब के बीच होती है, जिसका तोड़ना इतना आसान नहीं है। और जहां तक मैं ठाकुर को जानता हूं, वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनने नहीं देगा। रूपा बेटी, आसमान की ओर हाथ बढ़ा देने से आसमान अपनी मुट्ठी में तो नहीं आ जाता। मगर आसमान खुद चलकर हमारे हाथों तक आना चाहे तो हमें पीछे तो नहीं हटना चाहिए ना काका? क्या मतलब? आप एक बार पिंकी से मिलिए, अगर वो पूरी तरह हमारे साथ है तो ठाकुर प्रताप सिंह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हुई ना मर्दों वाली बात। बेटी तो किसी भी तरह कल पिंकी को यहाँ बुला ले। अच्छा। चाहता किसी तरह तुम्हें गोद में उठाकर झूमता रहूं, नाचता रहूं। अच्छा, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है तुम्हें? जरा मैं भी तो सुनूं। तुम मिल गई हो मुझे, इससे बड़ा खजाना और क्या हो सकता है? तो क्या तुम्हारे बापू ने हाँ कह दी? हाँ तो नहीं की, मगर ना भी नहीं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वाह, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये भी कोई बात है जिसके लिए तुम इतना उछल रहे हो? ए पिंकी, यही तो बात है, तुम मेरे बापू को नहीं जानती, वो बड़े सिद्धांतवादी आदमी है। मुझे तो डर था कि वो साफ इनकार कर देंगे, मगर इस रूपा की बच्ची ने क्या चक्कर चलाया कि। तो फिर चलो। कहाँ? बापू से मिलने। अभी? हाँ, बुजुर्गों ने कहा है नेक काम में देर नहीं किया करते। शाम। अरे आओ, बहुत चरमाती हो तुम। हे माँ, देख तो कौन आया है। क्यों चिल्ला रहा है, कौन आया है? अरे ये पिंकी है ना। प्रणाम काकी। अरे कितनी बड़ी हो गई है और कितनी सुंदर भी है ना। हाँ काकी। श्यामू तुम लोग बैठो, मैं काका को बुला के लाती हूँ। श्यामू तो इसका ख्याल रखना, मैं अभी चाय बना के। नहीं नहीं काकी, चाय की कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे नहीं, पहली बार तुम मेरे घर में आई हो। हाँ माँ, आज के दिन तुम इसकी सेवा कर लो, फिर तो इसी को करनी है तुम्हारी सेवा जिंदगी भर। चुप, शैतान कहीं का। क्यों, कैसी लगी मेरी माँ? तुमसे बहुत अच्छी। पलकों पर बिठा के रखेगी तुम्हें, देख लेना। प्रणाम काका। अरे अरे जीती रहो बेटी, विलायत में रहकर भी तुम हिंदुस्तानी सभ्यता को नहीं भूली, ये देखकर बड़ी खुशी हुई। मेरे पांव, मैं तो तुम्हारा नौकर था। माफ करना काका, जहाँ तक मुझे याद है जब आप हमारे यहाँ काम करते थे तब भी मैंने कभी आपको नौकर नहीं समझा था, तब भी आप मेरे लिए शामू के पिता थे और आज भी वही है। और आज तो मैं आपके घर आपकी होने वाली बहू के नाते आई हूँ, इसलिए अपने आप को छोटा कहने के बजाय अगर आप अपने बड़ेपन का ख्याल करके मुझसे बात करेंगे तो मुझे खुशी होगी।
खुश रहो बेटी, तुमने मुझे बड़ा कहा। अब इस नाते अपने बच्चों के दुख सुख का ख्याल रखना मेरा फर्ज बन गया है ना? बेटी इस बात का तुम्हें पूरा एहसास है कि अपने पिता के घर जो ऐशो आराम तुम्हें अब तक मिलता रहा है वो शामू के साथ रहकर नहीं मिल सकता। जी। और शाम इस बात का तुम्हें भी पूरा एहसास होगा कि पिंकी तुम्हारे लिए क्या कुछ छोड़कर आ रही है और तुम इसे क्या दे सकते हो। जी है बेटा, मैं तुम दोनों को ये कर दिया ना भाषण अपने। अरे अब राशन आ गया तो भाषण कैसा। ले एक पते की बात कहूं पिंकी बिटिया। जी कहिए। हमारी 25 साल की गृहस्थी में मुझे अभी तक ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि ये कार में घूमी है या बगले में रही है। और मुझे भी कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन कभी किया नहीं था और अब करना पड़ रहा है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है हमारी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ जाए कि हमारी शादी हमें जिंदगी की सबसे बड़ी भूल लगने लगे, लेकिन अगर आप लोगों का साया हमारे सर पर रहा तो मुझे यकीन है आप हमें जीना सिखा देंगे। हमें ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे प्यार में जवानी का जोश ही नहीं बल्कि एक गहराई भी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ शाम, तुम्हें इस अनमोल हीरे को हमारे घर की बहू बनाकर लाना है किसी भी हाल में। मैं वादा करता हूँ बाबू, पिंकी ही इस घर की बहू बनेगी, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया की हर ताकत से लड़ जाना पड़े। अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात, ले मुंह मीठा कर। ये ले पिंकी तू भी ले। Thank you.
खानदान की इज्जत ले जाकर उस दो कौड़ी के आदमी के पैरों में डाल दी, ऊपर से आंखें दिखाती है। आज के बाद अगर एक भी कदम घर से बाहर निकाला तो जान से मार दूंगा तुझे भी और उस हरामजादे को भी, समझ गई? चिंता की कोई बात नहीं काकी, थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा और जख्म भी इतना गहरा नहीं, कुछ ही दिनों में भर जाएगा। चलता हूँ काका, राम राम। राम राम भाई जी। कितनी बेरे में से पीटा है जालिमों ने मेरे बच्चे को, आप चुप क्यों हो जी? पता क्यों नहीं करते कि वो लोग कौन है जो मेरे बच्चे की जान लेने पर तुले हुए हैं? मैं जानती हूँ काकी। तो मुझे बता दे बेटी वो लोग कौन है, मैं उनसे हाथ जोड़कर पैर पकड़कर मेरे बच्चे की जान की भीख मांगूंगी। तुम चुप रहो, अभी मैं मरा नहीं समझी तुम? अब भी इन बाजुओं में इतनी ताकत है कि हमारी औलाद की तरफ उठने वाले हाथ काट कर फेंक दे और तुम हो गए। मैं क्या करूं जी, मेरा एक ही तो बच्चा है। रूपा तुम्हें किस पर शक है बेटी? छोटे ठाकुर और उसका कमीना मैनेजर शमशेर। धर्मा भैया कहिए कैसे आना हुआ? हम श्यामू की खैरियत मालूम करने आए हैं। हमें गलत मत समझना भैया, हमें इन बच्चों के प्यार से हमदर्दी है। हाँ, वो राकेश ने पिंकी को मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया और धमकी दी कि आइंदा कभी श्यामू से मिली ना तो दोनों को मार डालूंगा, इसलिए हम श्यामू की हालत देखने आए हैं। कुछ नहीं हुआ है श्यामू को, ठीक है। वो पिंकी से कहना कि वो हौसला रखे, अभी तो ये जंग की शुरुआत हुई है। हम ये जंग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी जीत ना हो जाए। मेरे जीते जी वो कमीना पिंकी को इस तरह कैद करके नहीं रख सकता। मैं हर हाल में पिंकी को छुड़ा के लाऊंगा। तुम शादी की तैयारियां कर लो माँ, ये शादी आज ही होनी चाहिए। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सीता जाने दो इसे। ये आप कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमें अपने खून पर भरोसा है। आज दुनिया की कोई भी ताकत इसे जाने से नहीं रोक सकती। हर वो दीवार जो हमारे श्यामू और पिंकी के दरमियान आएगी आज टूट कर रह जाएगी। जाओ बेटे, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, जाने दो इसे।
लगा दो हराम जादे के। पहले के वो बाप बेटे मिलकर पिंकी को तुमसे हमेशा के लिए जुदा कर दे, उसे यहां से ले जाओ बेटे, ले जाओ उसे। हाँ बेटे, वो ऊपर अपने कमरे में है। अब तुम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती पिंकी, आओ मेरे साथ। कहाँ? हमारे घर, हम दोनों शादी कर लेंगे पिंकी। नहीं श्याम, मैं इस तरह भागकर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती पिंकी? माँ और बापू हंसी खुशी तुम्हें अपने घर की बहू स्वीकार करने के लिए तैयार है, फिर इसमें भागने वाली बात ही क्या है? फिर भी श्याम, ये हमारे प्यार की मंजिल नहीं। पिंकी, हर प्यार की मंजिल शादी होती है, तो हमारे प्यार की मंजिल और क्या हो सकती है? यकीनन हमारे प्यार की मंजिल हमारी शादी होगी, लेकिन इस हवेली में तुम बारात लेकर आओगे। मेरे पापा इज्जत से अपने दामाद का स्वागत करेंगे, पवित्र अग्नि के सामने मेरा कन्यादान करेंगे, इज्जत के साथ इस हवेली से मेरी डोली उठेगी। ये नामुमकिन है। हम इसे मुमकिन बनाएंगे श्याम। हर वक्त सपने देखते रहना बेवकूफी है पिंकी। इस वक्त हकीकत यह है कि तुम्हें कैद कर लिया गया है ताकि तुम उसे मिल ना सको। मैं अपनी जान पर खेल कर यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें यहाँ से ले जा सको, और तुम हो के मुझे समझने की कोशिश करो श्याम। तुम अपने बाप को नहीं जानती हो पिंकी। उसने जिस बेरहमी से 10 साल के मासूम बच्चे पर कोड़े बरसाए थे ना, उसके निशान अभी भी मेरे पीठ पर मौजूद है। ठाकुर प्रताप सिंह एक ऐसी चट्टान है जिससे टकराने के बाद तुम्हारे आदर्श चूर चूर हो जाएंगे। हमारे प्यार की शक्ति पर भरोसा रखो श्याम, एक दिन समाने को हमारे प्यार के सामने झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें तुम अपने बाप को जाकर समझाना। अब ये शादी तभी होगी जब बड़े ठाकुर मेरे घर आकर ये रिश्ता पक्का करेंगे।
दुश्मन है दो दिलों का, दुश्मन है दो दिलों का। तोड़ा है जालिमों ने हर सपना आशिकों का, हर सपना आशिकों का। पिंकी को अपने साथ नहीं ला सके इसलिए परेशान हो? छोटे ठाकुर के कुत्ते इतने ताकतवर तो नहीं हो सकते कि तुम्हें पिंकी तक पहुंचने से रोक सके। मेरी तरफ देखो शामू, क्या बात हुई पिंकी से? बताओ ना शामू, तुम्हें मेरी कसम। मैं राकेश से तो लड़ सकता हूं, सारी दुनिया से टकरा सकता हूं, मगर उससे कैसे लड़ सकता हूं जिससे प्यार करता हूं? पिंकी ने तुम्हारे साथ आने से इनकार कर दिया? हाँ। वजह? वो दीवारों से सर टकराना चाहती है। वो कहती है जब उसके पिता उसका कन्यादान करके टोली में बिठाएंगे तब हमारी शादी होगी। अगर उसे अपने प्यार पर इतना भरोसा है तो तुम्हें इतनी जल्दी मायूस होने की जरूरत नहीं। हाँ शामू, बड़े ठाकुर को आने दो, पिंकी को उनसे बात करने दो, वो क्या कहते हैं ये जान के ही हम सोचेंगे हमें क्या करना है। चलो अब घर चलो। राकेश ने जो कुछ हमें बताया क्या वो सच है? सच ये है पापा कि मैं शामू से प्यार करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद भी तुम्हें कुछ कहना है? मैं शामू से शादी करना चाहती हूँ और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। राकेश, अभी बंबई में ठाकुर यशपाल सिंह को फोन करके कहो कि उनके बेटे के साथ हमें अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर है। अगले महीने की 11 तारीख को वो बारात लेकर यहाँ आ जाएं। और हाँ, 15 दिनों में शादी के सारे इंतजाम पूरे हो जाने चाहिए, समझे? जी लड़ी। पापा, नहीं पापा। हम तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहते। और एक बात कान खोल कर सुन लो कि तुम ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी हो और तुम्हारी शादी हमारी शान के मुताबिक हमारे बराबरी के खानदान में होगी। क्या आपको अपनी बेटी की खुशियों का कोई ख्याल नहीं? हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए ही कर रहे हैं। तुम अभी ना समझो, खुशी कैसे कहते हैं इसका इल्म नहीं है तुम्हें। 19 साल की लड़की को हमारे देश का कानून भी ना समझ नहीं कहता पापा। इस हवेली में सिर्फ एक ही कानून चलता है और वो है हमारा हुक्म। अगर आपका कानून मेरे जज्बात की कदर नहीं कर सकता
तो मैं इसे मानने से इनकार करती हूँ। पिंकी, आपकी झूठी शान की अग्नि में मैं अपने प्यार की आहुति हरगिज नहीं दूंगी। बेहतर यही होगा आप ये शादी रोक दें। ये शादी होकर ही रहेगी। हम तुम्हारी जिद की खातिर किसी कंगले को इस हवेली का दामाद नहीं बना सकते। अपने ही पैर की जूती को अपने सर का ताज बनाकर हम अपनी मर्यादा का गला नहीं घोट सकते, समझे? पिंकू, आंटी, कहो भैया कैसे आना हुआ? बड़े ठाकुर ने आपको बुलाया है। सब ठीक तो है भैया? तुम चुप रहो, तुम चलो मैं आता हूँ। सीता, तुम जल्दी से मेरे कपड़ों का नया जोड़ा लेकर आओ। अरे सीता, जल्दी आओ भाई। आ तो रही हूँ। अरे जरा मर्दों की तरह चल कर आओ। भाग के आ रही हूँ। पलंग पे जूते। अरे अभी साफ की है। ये लीजिए। हाँ, ये हुई ना कुछ मर्दों वाली पोशाक। अब देखना कैसे मूंछों पर ताव दे कर जाता हूँ। पगड़ी नहीं लाई? पगड़ी? पर बात क्या है? मैं भी तो समझू, नया जोड़ा, नई पगड़ी, आखिर आप पुराने मालिक को ही तो मिलने जा रहे हैं। अरे पुराने मालिक को नहीं, नए समधी को मिलने जा रहा हूँ। लड़के का बाप हूँ, कुछ तो शान होनी चाहिए। अरे पगड़ी लाओ। अरे लाती हूँ ना। लाती हूँ पगड़ी। मिल गई। ये जरा खींचना। ये मेरी शादी वाली पगड़ी उठा लाई? नहीं तो नहीं है। नहीं है? फिर तो मर्दों वाली बात है। जरा श्यामू को बोलना जल्दी से घोड़ा तैयार करे। घोड़ा? अरे टपू टपू घोड़ा। समझ गई, जल्दी कर। बेटे। अरे माँ, क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मुझे तेरे बापू के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। वो वहाँ जाकर जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे। वो लोग बड़े जालिम हैं बेटे, इन्हें वहाँ भेजते हुए मेरा कलेजा कांप रहा है। ए माँ, तू चिंता क्यों करती है? हाँ, जब तक तेरा ये लाल जिंदा है ना माँ, कोई माई का लाल बापू को हाथ तक नहीं लगा सकता। अरे रूपा, क्यों लगता हूँ ना ठाकुर प्रताप सिंह का संबंधी? हाँ काका। अच्छा सीता, चलता हूँ। चलो बापू। तू कहाँ चला? तुम्हारे साथ बापू। देखो बसुरदार, ये शादी ब्याह का मामला है, जब दो बुजुर्ग बात करते हो तो बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए। मगर बापू वो लोग बड़े करता है, पगला कहीं का, अपने बाप पर भरोसा नहीं करता। अरे इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतनी ताकत है कि अपनी औलाद की खुशी के लिए वो ऐसे 10-20 ठाकुरों को अकेले ही ठिकाने लगा दे। तू बेफिक्र रहे, मैं यूं गया और यूं बात पक्की करके आया। यूं मगर राम धर्मा काका। राम राम। कहाँ है बड़े ठाकुर? आप ही का इंतजार हो रहा है। अरे कहिए जवाई राजा, क्या ठाट है? ठीक हूँ, प्यार स्टील की तरह। अरे, अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते। हमारी होने वाली बहू कैसी है? क्या आदमी है, प्योर स्टील की तरह। ठाकुर प्रताप सिंह। राम राम। आपका संदेशा मिलते ही चला आया।
फरमाइए। शमशेर, ये क्या है? खोल कर देख लो। पूरे 5 लाख हैं। इतने रुपए तुम्हारी पिछली 5 पुश्तों में से किसी ने देखे नहीं होंगे, और इन रुपयों से तुम्हारी आने वाली 5 पीढ़ियां सुख और चैन से जिंदगी बसर कर सकती हैं। सच कहा आपने, रुपए में बड़ी ताकत होती है। समझदार हो तुम, इसीलिए हमने तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हें यहां बुलाया था। रख लो इन्हें, काम आएंगे। शुक्रिया। अब जरा इस मेहरबानी की वजह भी बता दीजिए ठाकुर साहेब। वजह न समझ सको, इतने भोले नहीं हो तुम। फिर भी अगर तुम हमारे मुंह से सुनना चाहते हो तो सुन लो। अगले हफ्ते हमारी बेटी की शादी एक बहुत बड़े घराने में हो रही है। हम चाहते हैं कि तुम आज ही अपने बेटे को लेकर इस इलाके से बहुत दूर चले जाओ। आज के बाद तुम्हारे बेटे का मनहूस साया भी हमारी बेटी पर नहीं पड़ना चाहिए, समझे? आपने तो मुझे यहां बुलाने की वजह बता दी ठाकुर साहब, अब मैं आपको अपने यहां आने का मकसद बताना चाहता हूं। मैं धर्मा किसान अपने बेटे श्यामू किसान के लिए आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। बदतमीज, नमक हराम, तेरी ये जुर्रत। जब तक तुम्हारा नमक खाया, मैंने कभी नमक हरामी नहीं की ठाकुर। रही बात बदतमीजी की, वो तो तुम दिखला रहे हो। तुम्हें तो इतनी भी तमीज नहीं कि लड़के वालों से अदब से बात करते हैं। शमशेर, इस हरामजादे की जुबान काट कर कुत्तों को डाल दो। अपने इन कुत्तों पर खर्च कर देना, शायद इनमें चट्टानों से टकराने की ताकत आ जाए। और हां, मेरे बेटे की बारात इसी घर में आएगी, मुहूर्त निकलवा कर खबर भिजवा देना। ना।
हवेली पर पहुंच चुकी है और तुम दोनों यहां खामोश बैठे हो। उसे समझने की कोशिश करो श्यामू, उसने तुम्हारे साथ आने से इनकार किया। उस वक्त उसे ये उम्मीद थी कि वो अपने बापू को मना लेगी। उस मासूम को क्या मालूम कि उसका बाप भी जल्लाद होगा। श्यामू, ओ मंगलम भक्तु शुभ मुहूर्त मस्तु कन्या को बुलाइए। ओम गायम लाइन तन त्यम जायंती। पिंकी को बुलाओ, पिंकी को। आंटी, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। पिंकी जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने कह दिया ना, मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये शादी का जोड़ा नहीं, कफन है मेरे लिए। ले जाओ इसे। बाहर जाओ। या तो तुम ये जोड़ा पहनकर फौरन मंडप में आओगी, नहीं तो अपने बाप की लाश देखोगी। आप जाइए, मैं पिंकी को लेकर आती हूँ। मेरी जिम्मेदारी, आप जाइए ना। काका, तुम ही समझाओ ना इसे। वो लोग बड़े जालिम हैं और पिंकी एक मासूम अबला। अगर ये शादी हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। काका, काका तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? काका, यूं बुज़दिलों की तरह अपनी जान देने के बजाय अगर हिम्मत है तो अपने प्यार के लिए अपने बाप का, सारे समाज का सामना कर। हाँ बेटी, अगर उस जंग में तेरी जान भी चली जाए तो वो मौत इस मौत से कहीं बेहतर होगी। बेटे, किन पत्थरों से दिल लगाया है उस पागल लड़की ने? अगर उसका अपना बाप जालिम है तो तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो। याद रखो काका, अगर ये शादी हो गई तो पिंकी जिंदा नहीं रहेगी और उसके बाद आपका बेटा भी जिंदा नहीं रहेगा। यही ठाकुर साहब की बेटी है? इसकी हिम्मत तो देखो, बगैर शादी का जोड़ा पहने मंडप में चली आई। ये क्या पागलपन है? अंदर जाओ और शादी का जोड़ा पहने प्लीज। आप सब मेरे पापा के मेहमान हैं। मैं आप लोगों की इज्जत करती हूँ, मगर आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बारात वापस ले जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। ठहरो ठाकुर। बेटे, क्या मैं पूछ सकता हूँ इस इनकार की वजह क्या है? क्योंकि
क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। देखो जी कितनी बेशर्म लड़की है। सुना है विलायत में पढ़ी लिखी है। तभी तो भरी बिरादरी में बाप की बेइज्जती करने के लिए चली आई है। अरे ऐसी औलाद को तो जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। ठाकुर घराने की इज्जत चौराहे पे नीलाम हो गई है। ऐसी रुसवाई तो बिरादरी में आज तक किसी की नहीं हुई। आप तो बाल बाल बच गए जसपाल सिंह जी। हाँ भाई वरना शादी के बाद आपकी इज्जत का भी जुलूस निकल जाता। तुमसे ये उम्मीद ना थी ठाकुर, मेरे दोस्त होकर मेरे ही घर को बर्बाद करना चाहते थे। चलो बेटा अंकल, आओ भाइयों बारात वापस ले चलो। अरे रुकिए प्लीज, देखिए बात सुनिए, रुकिए अंकल, अंकल सुनिए, देखिए पिंकी, अंकल हम उससे समझा लेंगे, अंकल प्लीज बारात लेकर वापस मत जाइए, अंकल हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए अंकल। बड़े आए मान मर्यादा वाले, चलो जी चलो। भरी बिरादरी में जलील किया, ठाकुर घराने की इज्जत से हमारी मर्यादा से खिलवाड़ किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं सब यही करना रह गया था। सरिता चिल्लाओ मत, भगवान ने तुम्हें जरा सी दौलत क्या दे दी, बहन बेटी सबकी जिंदगी को अपनी मिल्कियत समझने लगे तुम। तुम्हारी जो बेइज्जती हुई है उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा अहंकार है। अगर पिंकी को तुम्हारी इज्जत का ख्याल ना होता तो ये कब की शामू के साथ भाग गई होती। अरे इस घर की मर्यादा के लिए इसने तुम्हारे और राकेश के जुल्म सहे, लेकिन इसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी पापा को और कुछ मत कहिए। भी वक्त है भैया, प्यार की इस आग को नफरत की हवा दोगे तो ये आग और भड़केगी। बुझा दो भैया इसे, प्यार की बरसात से बुझा दो। अपने झूठे अहंकार को छोड़कर इन सीधे सच्चे लोगों को गले से लगा लो भैया। इस बिन मां की बच्ची की खुशियां छीनकर तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा भैया। मैं तुम्हारे यहाँ के हाथ जोड़ती हूँ, इसकी खुशियाँ मत छीनो भैया, इसकी खुशियाँ मत छीनो। वाह जी, चाहता है तुम्हारे चरण छू लूं। ये जानकर खुशी हुई कि पत्थरों की इस हवेली में इंसानी दिल भी धड़कते हैं, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे ये आंसू एक दिन इन पत्थरों को भी पिघला देंगे। तब तक हम इंतजार करेंगे। ठहरिए दरअंदाज, हम बेहद शर्मिंदा हैं। हमारी बेटी को अपने घर की बहू स्वीकार कर लीजिए। हम हाथ जोड़कर आपसे अपनी बेटी की खुशी शर्मिंदा न कीजिए ठाकुर साहब, ये तो हमारे बच्चों के प्यार की जीत है। मेरे जीते जी, ये हरामजादा इस घर का दामाद नहीं बन सकता। राकेश ये क्या बेहूदगी है, पिस्तौल रखो और इनसे माफी मांगो। आप चटिया आ गए पिताजी, मैं इसके साथ अपनी बहन की शादी कभी नहीं होने दूंगा। हिल्ला मत, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, वरना जान से मार दूंगा। हरामजादे, मैं अपनी बहन की शादी तेरे साथ कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा तेरे साथ, समझे? राकेश, 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 राकेश,
जाने दो। बेटे, मैं इनको संभालता हूँ, तुम पिंकी को बचा। ऐसा मत करो, प्लीज, छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ दो। ऐसा मत करो राकेश, प्लीज। Thank you.
जमुना।